कीजिए तारू, बस कीजिए। उसके दुष्कर्मों को सही ठहराना आपकी मजबूरी हो सकती है। उसके साथ वही किया जिसके लायक वो था। और एक बात, वल्लभगढ़ का बदला पूरा करने के लिए हमें जिस जिस की हत्या, जिस जिस का वध करना पड़े, हम बिना पलक झपकाए कर देंगे। राजाओं से जिन्होंने समय आने पर अपना असली रंग दिखाया। जब हम समृद्ध राज्य थे, हम आगे बढ़कर सबकी सहायता करते थे। उनके साथ अच्छा होता है, ये हमारे संस्कार थे। किंतु ये संसार की सच्चाई नहीं है दारू, ये संसार की सच्चाई नहीं है। अच्छा केवल वो होता है जो शक्तिशाली हो। निर्बल और दुर्बल की सहायता कोई नहीं करता। अब ना तो हम निर्बल हैं और ना ही कमजोर, अब हम बनेंगे शक्तिशाली से सर्वशक्तिशाली। यह है नया महावीर। हम खड़े हैं इस देश के होने वाले चक्रवर्ती राजा। जब तक एक भाई के सामने उसकी बहन खड़ी है, हम आपको अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। किंतु यदि देवगढ़ की रानी साले हमें चुनौती दी, का राजा आपसे आपका सर्वस्व छीन लेगा। इसलिए जाइए और जाकर सोच लीजिए। सोच कर ही वापस आए। आपको शव मिल चुका है। सूर्य प्रताप का अंतिम संस्कार करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और फिर आ जाइए अपने भाई जी के पास वापस। हमने कहा देवगढ़ के मुजरिम को अपने साथ वापस लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। उस हादसे के बाद काफी तो हमारी अपनी बची है। बस आपसे भूल रहे हैं हम आपको एक बार फिर से देख को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बीते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आप पुराने सभी वर्षों को भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें जिसमें आपके भाई जी आपके साथ। हाँ, कल सुबह सूर्योदय के साथ चुनौती मत दीजिए दारू। ये तीर नहीं हमारा दृढ़ निश्चय है, जो आवश्यकता पड़ने पर आपके जिद को भी भेद कर आर पार चला जाए।